स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे बैगन से स्लाइस, बैगन स्लाइस बोलेंगे इसको। तो इस तरह से बैगन ले लेंगे और इसको धोकर इस तरह से कट कर लेंगे और राउंड शेप में ही काट लेंगे इसको। बहुत इजी है, फटाफट बन जाता है। जैसे कि दाल चावल है तो उसके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसको। एक एडिशनल टाइप का है कि टेस्ट बढ़ जाता है इससे। तो इस तरह से काट लेंगे हम इसको और एक तावा ले लेंगे और कुछ नहीं, हल्दी और नमक लेंगे और थोड़ा सा ऑयल जो है हम तवे पे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और फिर जो है हल्दी और नमक इसमें हम इस मिक्स करके और बैगन की जो स्लाइस काटी है हमने इसमें लगा देंगे और ऐसे सभी बैंगनों में लगा के रख देंगे तवे पे और ढक देंगे। और बहुत जल्दी पक जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बस टाइम नहीं लगता, 2-4 मिनट में सारे बन जाते हैं। तो इस तरह से एक बार पलट देंगे और इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक है। ऑयल भी बहुत कम लगता है तो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि बैंगन में आयरन बहुत होता है। तो एक तरफ पलट के फिर हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और फटाफट पक जाता है। देखिए पक गया और इसको अब तैयार है खाने के लिए। निकाल लीजिए प्लेट में और जैसे दाल चावल सब्जी रोटी या कुछ भी है उसके साथ एक एडिशनल, जैसे अचार लेते हैं उसी तरह से ये भी हम खा सकते हैं। तो एक बार इस तरह से बना के ट्राई करिए, आपको पसंद आएगा। और इजी भी है, मसाले भी नहीं हैं, ऑयल भी नहीं लगा है ज़्यादा। तो एक बार आप ट्राई करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।